अच्छा हाँ बात सुनो यार, बात सुनो, आप तहजीब पे काम करते हैं? जी सर। तो ये तहजीब पे कल मैं सुना वो नवाज शरीफ साहब आए हुए थे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे? जी सर आए हुए तो थे, लेकिन वो जिस तरह आए हैं उस तरह जिस तरह हमने सोचा था उस तरह नहीं आए। अच्छा, उनके आने से 15-20 मिनट पहले ना आए हैं उनके तकरीबन 140 से 150 गार्ड आए। अच्छा, जिन्होंने हम स्टाफ के लोगों को ना धक्के दे के ना बाहर निकाला। अच्छा, तो भाई निकाल दिया कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। हमने कहा यार आ रहे हैं नवाज शरीफ, हम तो बड़े खुश हुए थे कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कि हम तो उनको देख भी लेंगे। और हम लड़कों ने तो प्लान भी बनाया था कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो हम उनका नारा लगाएंगे। उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, तो हम उनके जो उन्होंने नारा लगाया था उस पर हम एक और उनका नारा बना देते कि वो कहते कि मुझे तहसील से क्यों निकाला। अच्छा, हम उनको धक्के दे के नारे आप लोगों ने? उन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। किसने धक्के दे के निकाल दिया? उनके स्टाफ के जो गार्ड थे जो। लेकिन वो तो कह रहे थे यहाँ पे बड़ा मेरा इस्तकबाल हुआ है, लोगों से मैं घुल मिल गया हूँ, और कस्टमर से बड़ी बातें करते रहे। कस्टमर तो वो आर्टिफिशियल लाए थे, अपने साथ गाड़ियों में लाए थे और उनके हाथ में टोकरियां पकड़वा के, तो इधर उधर उनसे ही बातें हुई, अपने कैमरे भी साथ लाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शूटिंग हो रही है किसी फिल्म की। उनको तो तहजीब के लोगों से हम बड़ा गुले मिले और लोगों ने बड़ा वहाँ पे, मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर कह रहे थे कि तहजीब यहाँ पे लोगों ने बड़ा उनको वेलकम किया है, और वो जो आपका स्टाफ है उसने बड़ा उनसे बातें की हैं। स्टाफ सर, स्टाफ में तो हमारे स्टाफ को बता रहा हूँ कि उन्होंने सारे स्टाफ को ना बाहर निकाल दिया था, लड़कों सबको बंद कर, दो जो चंद बच गए थे उनको भी उन्होंने डरा धमका के, तो वो कहा कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई बात नहीं करेगा। उनके साथ जो अपने बंदे आए थे उनके साथ ही उन्होंने बात की है, उनके साथ ही वही टोकरियाँ लेके गेस्ट बने रहे, कस्टमर बने रहे, उनके साथ ही उन्होंने बात की है, वही अपनी अपने आपको अपने बंदों से उन्होंने बातें की। बात तो यहाँ कोई नारा किसी ने लगाया कि नवाज शरीफ के कोई इस तरह करो, कोई नारा चला? नारा तो बहुत लगाते हैं, हमने तो बहुत प्लान किया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने 10-15 मिनट पहले उन्होंने हमें निकाल दिया बाहर, और उसके जाने के भी 10-15 मिनट बाद ना कोई ना गेस्ट अंदर गया है ना कोई, और उनके अपने जो बंदे थे वही आए, सिक्योरिटी जो उनकी थी। अच्छा, तो वो जो टोकरियां पर के लोग उनसे बातें कर रहे थे जो मैंने फेसबुक पर देखा, वो कौन थे? वो उनके अपने लोग थे, वो उनके साथ गाड़ियों में बैठ के बाकायदा हमने देखे बाहर, बहुत आवाम जमा हो गई थी, वो देख रहे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है या कौन आया यहाँ पे। जी जी, चलो ठीक है सर।